ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की पहली कड़ी आधुनिक इतिहास पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संयुक्त डीन प्रोफेसर मलय नीरब। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया 100.1 मेगाहर्ट्ज। स्वागत है आपका आज के इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है अभ्यास। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अभ्यास करने से जो पार्टिसिपेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है वो सफलता दिलाने में सहायक तो होता ही है। इस कार्यक्रम की तो ये विशेषता है कि हम व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए आपसे किसी खास विषय में सवाल इन्वाइट करते हैं और आपके भेजे सवालों के उत्तर अपने स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञों से आप तक प्रेषित करते हैं। पिछले दिनों हमने इतिहास विषय पर परीक्षार्थियों से सवाल की उम्मीद की थी और हमें काफी संख्या में प्राप्त भी हुए। आज उन्हीं सवालों के उत्तर के साथ उपस्थित हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मलय नीरब के साथ, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो हम स्टूडियो में आपका स्वागत करना चाहेंगे सर। धन्यवाद विनीता जी। हम निगाह डालते हैं एक ऐसे ज्वलंत विषय पर जिसने पूरे विश्व को एक अजीब से कश्मकश में डाल रखा है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच बनते तनाव के जड़ में आखिर है क्या। तो पहले तो ये एक्सप्लेनर सेगमेंट हम सुन लेते हैं, उसके बाद। यूक्रेन सोवियत संघ यूएसएसआर का अंग था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत परमाणु हथियारों का तीसरा बड़ा भंडार यूक्रेन में रह गया, लेकिन बुडापेस्ट एश्योरेंस के तहत सुरक्षा गारंटी के बाद यूक्रेन ने सभी परमाणु हथियार रूस को लौटा दिए। 1991 के बाद नाटो ने धीरे धीरे पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का विस्तार किया और वारसा संधि से जुड़े अनेक देश तथा पूर्वी सोवियत संघ से अलग हुए देश नाटो में शामिल हो गए। नाटो के पूर्व की तरफ विस्तार को रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता रहा है। जब मैदान क्रांति या ऑरेंज रेवोल्यूशन में रूस समर्थक विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, तो रूस ने 2014 में काला सागर में स्थित क्राइमिया प्रायद्वीप को अपने देश में मिला लिया। रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन समझौते को लागू नहीं किया गया। इस बीच रूस ने यूक्रेन के निकट सैन्य तैनाती मजबूत बनाए रखी। रूस का कहना था कि काला सागर में सैन्य अभ्यास जैसी पश्चिमी सैन्य गतिविधियों के कारण वो ऐसा कर रहा है। 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से नाटो में शामिल होने का आग्रह किया। इसके जवाब में रूस ने नाटो के पूर्व की तरफ विस्तार को रोकने की मांग की। रूस ने ये भी कहा कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, लेकिन अमेरिका और नाटो ने ये कहते हुए ऐसी कोई गारंटी देने से मना कर दिया कि यूक्रेन अपनी राह चुनने का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। रूस का मानना है कि यूक्रेन का नाटो की तरफ झुकाव उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। संकट टालने के लिए कई कूटनीतिक वार्ताएं हुईं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाना जारी रखा। परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। अचानक रूस ने 21 फरवरी 2022 को पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी और कुछ समय बाद यूक्रेन पर सैन्य हमला कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष से आज करीब 40 लाख लोगों के शरणार्थी बनने के कारण मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। संघर्ष समाप्त करने से पहले रूस ने शर्त रखी है कि पश्चिमी कानून रूप से बाध्यकारी गारंटी दे कि नाटो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में कोई सैन्य गतिविधि नहीं करेगा। भारत ने यूक्रेन में वर्तमान संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक तरीके अपनाने का आह्वान किया है। डॉक्टर नीरव, रूस और यूक्रेन के बीच की स्थिति का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो दरअसल क्या है? अगर हम यूक्रेन की तरफ नजर डालें तो जो एक ऐतिहासिक सच्चाई है यूक्रेन के बारे में वो ये है कि यूक्रेन पर पिछले कई शताब्दियों में कई साम्राज्यों ने राज्य किया। रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, हंगेरियाई साम्राज्य, पोलैंड, लिथुएनिया, सब ने यूक्रेन पर राज्य किया। और उस राज करने के दौरान
एक स्वतंत्रता आंदोलन भी यूक्रेन में पनप रहा था और उससे फिर यूक्रेन की पीपल्स रिपब्लिक उसका जन्म हुआ। लेकिन जर्मनी का 1941 और 44 के बीच यूक्रेन पर कब्जा था और उसी दौरान जो यूक्रेन के स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से कुछ ने नाफियों के साथ संबंध स्थापित किए। तो उस समय तो जो सोवियत था देश, तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम नाफियों के साथ थोड़ा समझौता कर लें, उनके साथ मिलकर लड़ें, तो शायद हमें आजादी आसानी से मिल जाए। थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो ये है, इसके कारण ही रूस में भी एक अजीब सी छटपटाहट की स्थिति हुई कि यूक्रेन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी और रूस के बीच द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई चल रही थी, तो ऐसा हुआ कि उनको लगने लगा कि नहीं साहब, ये तो यूक्रेन वाले जो हैं वो जर्मनी के साथ मिलकर उन्होंने रूस का विरोध किया। सर, रशिया का ये भी तो मानना है ना कि यूक्रेन में नाजी शासन है। चूंकि यूक्रेन किसी जमाने में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नाजियों के साथ साठगांठ की थी, समझौता किया था, और उससे उनको ऐसा लगता था कि उनकी अपनी आजादी की लड़ाई में उससे फायदा होगा, इसलिए रूस के राष्ट्रपति को भी ऐसा लगता है कि अभी भी ये नाजी विचारधारा के समर्थक यूक्रेन में डटे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें प्रश्नों का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं उन्हें इंतजार होगा कि उनके सवालों को लिया जाए। सबसे पहला सवाल हम आप तक पहुंचाएंगे, वो है नीलाभ वाजपेयी जबलपुर से। इतिहास को हम कितने रोचक ढंग से पढ़ सकते हैं, उसके लिए प्रमुख स्रोत क्या है जिससे कि हम इतिहास पढ़ें? हम जब इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो उसमें बहुत एक रस्ता महसूस होती है, तो ऐसे क्या तरीके हैं जिसे हम इतिहास को पढ़ने के लिए अपने उपयोग में लाएं? इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह सोलंकी गुजरात से और रेवती रमन यादव शिखरगा मझौली मध्य प्रदेश से यही जानना चाहते हैं, और साथ ही अपराजिता झा सुपौल से। हेलो सर, मेरा नाम अपराजिता झा है, मैं सुपौल से हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें? देखिए, इतिहास का अर्थ केवल अतीत के बारे में जानना सिर्फ तिथियों के माध्यम से या जो घटनाएं हुई उनके माध्यम से जानना नहीं है, इसकी सीमित परिधि नहीं है। इतिहास एक प्रक्रिया है, इतिहास में पूर्ण विराम नहीं आप लगा सकते, तो इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़कर देखने में, उसकी प्रासंगिकता को वर्तमान में स्थापित करने में ही आप इतिहास को रुचिकर स्वरूप प्रदान करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि हम इतिहास को किसी पूर्ण विराम के साथ न जोड़ें, ये न देखें कि फलां 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 साल में फलां 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 घटना हुई और इतिहास का एक पन्ना वहीं बंद हो गया। इतिहास के पन्ने अनवरत एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, और स्वर्णाक्षरों में लिखे गए इतिहास हो या खूनी अक्षरों में लिखे गए इतिहास का पन्ना हो, कई बार इतिहास दोहराता भी है अपने आप को और कई बार नहीं भी दोहराता है। तो ऐसे में इतिहास को रोचक कैसे बनाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। जब आप इतिहास या ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर उसकी प्रासंगिकता की जांच करना चाहेंगे, मसलन गांधी की वर्तमान काल में प्रासंगिकता पर अगर हम चर्चा करें, तो इतिहास खुद ब खुद रोचक हो जाएगा। एक इसी तरह के सवाल के साथ नवनीत कुमार जिला पश्चिमी चंपारण बिहार से, उनका भी सवाल लगभग इसी मायार का है। तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तिथियों से ही ऐतिहासिक कालों का विभाजन होता है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, इतिहास को जब आप एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि अगर हिंसा हुई तो क्यों हुई, किस कारण से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या वो परिस्थितियां दोबारा उसी प्रकार की हमारे लिए उत्पन्न हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो उन परिस्थितियों से, इतिहास के पन्नों से जो हमें सीख मिली है उसको देखते हुए किस तरह से उससे निपटा जाए। तो इस तरह से इतिहास को अगर आप लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें तिथियों की भूमिका बहुत कम हो जाएगी। एंड चेंजेस, कहाँ अनवरतता है और कहाँ परिवर्तन का नित्यत्व है, ये देखना होगा हमें, तब जाकर इतिहास को हम रोचक रूप से समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। सिर्फ अगर हम इसको तोताराम बनकर रटने की कोशिश करें तो संभव नहीं है। अगला सवाल आपके फेवरेट विषय यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, वो शिव बहादुर यादव है सुल्तानपुर यूपी से। इनका सवाल है, क्या 1857 का महाविद्रोह एक स्वतंत्रता आंदोलन था?
यदि था तो क्यों, यदि नहीं था तो क्यों नहीं। आजादी की पहली लड़ाई भारत में 1857 या 1857 को बताने वाले जो इतिहासकार थे उन्हें हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों की श्रृंखला में रखते हैं। इसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। ये बड़ा विवाद का विषय है और विवाद का मुख्य कारण ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर असम से लेकर और गुजरात तक हर तरफ फैला हुआ था, क्या हर जगह आंदोलन हुए और क्या ये एक मोनोलिथिक एक ही इस आंदोलन का कोई एकात्म स्वरूप था जो एक ही तरह का आंदोलन था, तो उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत यूं आती है कि इस तरह का था नहीं आंदोलन। जब ये शुरू हुआ तो एक सरकार विरोधी कहीं पे था तो कहीं मनी लेंडर के विरोध में था और उसके बाद में जाकर इसने एक जन आंदोलन का भी रूप लिया और फिर जो इसमें सैनिकों की भूमिका है उससे तो सभी लोग परिचित हैं। तो अब जैसे आधुनिक काल में जिन लोगों ने इधर पिछले 20 वर्षों में 10-15 वर्षों में इस पर काम किया है उनका कहना है कि इसमें जो समाज के हाशिए पर रहने वाले जो लोग थे उनका भी एक आंदोलन था ये, जैसे आदिवासियों का, जैसे महिलाओं का, जैसे दलितों का, लेकिन कोई एक वो धागा नहीं था ये जिसमें सभी आंदोलनों को पिरोकर हम कह सकें कि ये राष्ट्रीय आंदोलन। इतनी गहरी गहरी भारी भारी बातें परीक्षार्थियों को भी ना एक म्यूजिकल ब्रेक की आवश्यकता पड़ी जाती है, नहीं तो फिर कहेंगे इतिहास बड़ा उबाऊ होता है। तो उनके इस उबाऊपन को बताते हैं और आपके पसंद का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में जहां हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रोफेसर मलय नीरव इतिहास विषय पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवालों का सिलसिला तो आगे बढ़ेगा लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं फैक्ट फाइल। भारत और संयुक्त अरब अमारात यूएई का द्विपक्षीय कारोबार स्थिर रूप से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में ये $60 अरब तक पहुंच गया। इससे संयुक्त अरब अमारात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। डॉल्फिन स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के आदर्श पारिस्थितिक सूचक के रूप में कार्य करती है। ये सूचक ऐसे जीव की विशेषता इंगित करता है जिसकी उपस्थिति अनुपस्थिति या प्रचुरता विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्था से झलकती है। भारत में डिजिटल भुगतान का कुल मूल्य 2017 से 2022 के दौरान स्थिर रूप से बढ़ रहा है। इस वर्ष मार्च तक 80 अरब रुपये से अधिक का डिजिटल लेन देन हुआ। केंद्र सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे प्रयासों के लिए निर्भया कोष की स्थापना की है। निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं और योजनाएं मांग के आधार पर चलाई जाती हैं। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच 9 वर्ष तक चली वार्ता के बाद
1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। केन बेतवा परियोजना देश में नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रथम परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। माहेश्वरी, चंदेरी, बाघ, कंथा, भंडारा, तुसार, संबलपुरी और पोचमपल्ली भारत के विभिन्न राज्यों की साड़ियों के नाम हैं। बेहतरीन जानकारियों के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके चंद सवालों के साथ। पहला सवाल है आसनसोल पश्चिम बंगाल से जोयता मित्रा का। स्वाधीनता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन के विचारों, विधियों और परिणामों की तुलना कीजिए। शुरू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक अभिन्न अंग थे और गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया। कुछ विचारिक मतभेद थे दोनों के बीच, मगर शुरू में दोनों कांग्रेस के ही सदस्य थे। जहां तक गांधी की विचारधारा का प्रश्न है, तो गांधी की विचारधारा पर अगर आप नजर डालें तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थीं जैसे सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, असहयोग आंदोलन, ये ऐसी चीजें थीं जिनमें आप विश्वास पैदा करके जन जागरूकता के माध्यम से जन आंदोलन को चला सकते थे और वहां आप सरकार के बाहर रह सरकार के विरोध में स्वर उठाते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन की परिकल्पना की तो उस परिकल्पना में ये था कि वो सिस्टम का पार्ट बनकर, व्यवस्था का एक अंग बनकर व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाएंगे। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए आप लोगों को जानकर कि उनको कोलकाता का, जो कलकत्ता था, उसका मेयर बनाया गया था। तो इस प्रकार से दोनों की विचारधारा में वहीं से थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, बावजूद इसके कि दोनों कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस में एक समय आकर दोनों के बीच फूट पैदा हो गई। लेकिन हुआ क्या कि 30 के दशक के बाद वैचारिक संघर्ष हुआ और जिसमें मुख्य मुद्दा जो था वो था बल प्रयोग को लेकर, यूज ऑफ फोर्स और डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई। तो ये जो बातें थी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से, खासकर जापान, जर्मनी से सहयोग लेने की, फासिस्ट जो फांसीवादी शक्तियां थी उनसे सहयोग लेने की जो योजना थी नेताजी की, उससे थोड़ा अलग विचार था गांधी जी का। वो तो असहयोग और चरखा और खादी, और वो ये जानते थे कि जो जन आंदोलन इन आधारों पर बनेगा वो जन आंदोलन ब्रिटेन की जो सरकार है, उनकी जो फौज है, उसको हिलाने के लिए यही एक तरीका हो सकता है। डायरेक्ट एक्शन और हिंसा इसके लिए नहीं हो सकती, और इसका परिणाम भी हुआ। लेकिन दोनों में जो समानताएं हैं, एक बात वो बताना बहुत जरूरी है विनीता, कि दोनों संप्रदायवाद के घोर विरोधी थे। अच्छा। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अगर हम सफलता की बात करें तो दीर्घकालिक सफलता महात्मा गांधी जी को मिली और अल्पकालिक सफलता सुभाष चंद्र बोस को मिली। जन जागरूकता उसको फैलाने में बहुत हाथ था। लेकिन सर, आपने इसी सवाल में एक दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। मैं डिब्रूगढ़ से सुपर्णा बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, गांधी जी का नेतृत्व किस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन से समाज के सभी वर्गों के उत्थान के जन संघर्ष में बदला? 1915 में गांधी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से। 1920 के दशक में कई आंदोलन हुए, चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1917 में खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, और यहाँ पर उन्होंने जनता को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और इसी दौरान उन्होंने जो अपनी वेशभूषा, अपनी जो पूरी अपनी दिनचर्या है, उसको जनता के अनुरूप ढाला। जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं भी आप में से ही एक हूँ, जिसके कारण जनता उनसे जुड़ी। जिस तरह से सत्याग्रह, स्वराज, अहिंसा, आत्मशक्ति से काफी वो जनता प्रभावित हुई, उनका एक अपील था, एक पब्लिक मास अपील थी उनकी, जिसके कारण सभी वर्गों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, बटोरा, सबको एक छतरी के नीचे लेकर आए। और कुछ और भी घटनाएं, कुछ और भी बातें, जैसे शाहीन अमीन ने लिखा है रोल ऑफ रूमर्स, अफवाहों की भी उसमें एक भूमिका थी। लेकिन जब कभी भी अफवाहें फैलती थी और गांधी जी को मौका मिलता था तो गांधी की महानता ये थी कि उन अफवाहों का खंडन करते थे। मसलन गोरखपुर के एक पान वाले ने कहा कि हमारी दुकान उड़ गई, आंधी तूफान आया, उसमें हम बर्बाद हो गए, गांधी बाबा आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। गांधी जी से जब वो मिले तो उन्होंने कहा नहीं,
मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूँ, आप अपना काम करिए, मेहनत करिए, आपके साथ बुरा हुआ कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए, दोबारा अपना काम करिए। तो गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं महात्मा हूँ या मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति हूँ। एक और भी अंतिम बात कि उन्होंने जो कांग्रेस से व्यक्तियों को उस समय जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप शुरू की, 4 आना मेंबरशिप, 5 रुपया मेंबरशिप, जिससे कि संस्था में आप शामिल हों तो संस्था का स्वामित्व आपको लगे कि आपके हाथ में है। और अब एक सवाल पुणे महाराष्ट्र से, वो कौन से विचार थे जो अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों में उत्पन्न हुए और दुनिया भर में फैले? जी देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तो हम जानते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये 3 जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत बहुत कामयाब हुए। 1885 के बाद जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी गई, कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संसदीय राष्ट्रवाद और एक सांविधानिक राष्ट्रवाद की जो बातें आईं, फिर उसके बाद आर्थिक राष्ट्रवाद जिसमें टैरिफ बैरियर्स जो उनको तोड़ने की बात आई, व्यापार में जो भी अवरोध थे उनको दूर करने की बात आई, ये सब बातें ब्रिटेन से, बाहर से, फ्रांस से, वहां से और भी जहां जहां लिबर्टी इक्वालिटी की बात हो रही थी वहां से ली गई। और उसके बाद फिर आयरिश होम रूल लीग जो थी उसने इन्फ्लुएंस किया नेशनल मूवमेंट को, तो भारत में भारतीय अध्याय जो था होम रूल लीग का वो शुरू हुआ। 1904-5 में रूस और जापान के बीच में लड़ाई हुई, उससे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो गरम दल था, उसने काफी प्रेरणा पाई। लेनिन, कॉमिंटर्न से एमएन रॉय प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई। भगत सिंह भी कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारों से काफी प्रभावित थे। उसके बाद नेहरू और सुभाष, ये लोग सोशलिस्ट आइडिया से प्रभावित हुए। खिलाफत आंदोलन था, उसमें भी एक पैन इस्लामिक आइडियाज थे जिनसे लोग प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जिस समानता की बात कर रही थी, पूरी दुनिया जो एक वसुधैव कुटुम्बकम के भारतीय नारे को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी, इन सब का असर भारतीय आजादी की लड़ाई में हुआ। गुजरात से एक सवाल है। मेरा नाम चिकित्सा राठौड़ है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरा सवाल ये है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न चरणों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाओं की जो भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में थी, उसको अगर हम काल में विभाजित करके देखना चाहें तो पहला है काल 1857 से 1885, उसके बाद कह सकते हैं 1885 से 1920, और फिर कह सकते हैं 1920 से 1947। रानी लक्ष्मीबाई को भला कौन नहीं जानता, उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन। उसके बाद महिलाओं ने अपने बलबूते पे विद्रोह किया और विद्रोह में जो विद्रोही थे उनको साथ देने में महिलाओं ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। और फिर 1885 में जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई, और शुरुआती दिनों में आप देखें तो महिलाओं का उसमें बहुत हिस्सा नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि पार्थ चटर्जी ने जैसे दिखाया है कि जो पूरी प्रक्रिया थी आजादी की लड़ाई की, उसमें महिलाओं की भूमिका को नगण्य समझना, एनी बेसेंट जैसे होम रूल लीग की स्थापना हुई बाद में चलकर, आगे चलकर अंबिका जी कामा, इन लोगों की भी चर्चा करनी होगी। 1920 के बाद जो गांधी के समय में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसमें भी महिलाओं ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर जो गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, साबरमती, वर्धा, खादी, चरखा, और फिर उसके बाद दांडी मार्च, जिसमें अनेक महिलाओं ने उनका साथ दिया। और अगर हम कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी ले लें तो अच्छा रहेगा विनीता जी। सरोजिनी नायडू के बारे में सब लोग जानते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, और उसके बाद अरुणा आसफ अली थी, और दुर्गा वाहिनी जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम आता है। स्वतंत्रता आंदोलन में कस्तूरबा की भूमिका को बहुत लोगों ने नजरअंदाज किया है। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने गांधी को हर समय समर्थन दिया, सहयोग दिया, और जो चरखा और खादी जैसे उनके कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्यक्रम थे उसकी धूरी बनकर उन्होंने, और साबरमती में जिस तरह से, और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती जी गांधी जी से जुड़ी थी, उन सबको अपने साथ लेकर चलना, सारी महिलाओं को, और गांधी के दिशा निर्देशों पर चलना ही नहीं, उनका जो आदर्श था उन आदर्श को अपने जीवन में उतारकर
स्थापित करना, उसे बढ़ाना, जन जागरण करना, लोगों को, दूसरी महिलाओं को उसमें शामिल करना, महिलाओं के बीच जो भेदभाव की भावना को खत्म करना, जातिगत और धार्मिक भेदभाव को दूर करना, इन सब में इन महिलाओं का बड़ा योगदान रहा जी। और अब आखिरी सवाल, वो युगल किशोर कटक ओडिशा से, और इनका सवाल है, भारत में 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष में किस तरह से योगदान दिया? देखिए, जहाँ तक समाज सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रश्न है, शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए, महिलाओं को शिक्षित करने के जो प्रयास किए गए, 19वीं शताब्दी में एक नई दिशा देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद की बड़ी अहम भूमिका थी, हम दयानंद सरस्वती की भी भूमिका उनमें देख सकते हैं, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमें अपनी संस्कृति पर और अपने सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व होना चाहिए। हिंदू रिवाइवलिज्म का जो ये फेज था वो बहुत अच्छा था, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल गौर रक्षा की बात हुई, तो इन बातों से भी जनता आपस में एक दूसरे से जुड़ी और उनको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान हुआ, और उसको बचाने के लिए जो जागरूकता पैदा करनी थी वो जागरूकता भी पैदा हुई। और फिर तिलक जैसे लोग थे, उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया स्वरूप प्रदान किया। जब भी अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति में दखलंदाजी की कोशिश की, उसका पुरजोर विरोध हुआ, चाहे वो सुधारवादी हो या नहीं हो। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एक एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ, जिसमें कि ये था कि लड़कियों से कंसेंट लिए बिना उनके एज पे शादी करने के, तो इसको तिलक ने ये कहकर इसका विरोध किया कि ये हमारे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो इस तरह से जो एक राष्ट्रीय सामाजिक पुनरुत्थान पुनर्जागरण कार्यक्रम था, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही समाज सुधार आंदोलन। वाह, बहुत अच्छी फ्रूटफुल बातें हैं। और हमारे श्रोता को हम साथ साथ ये भी बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल वो व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं 9289094044 पर, या फिर वो हमें ईमेल कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। और अब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें आने वाली कुछ परीक्षाओं पे भी दे देना चाहिए कि 10 अप्रैल 2022 यूपीएससी एनडीए और एनए एग्जाम यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 को है 10 तारीख को, और यूपीएससी द्वारा ही आयोजित सीडीएस एग्जाम भी इसी तारीख को होंगे। कार्यक्रम के अंत में एक ट्विस्ट है कि हम अपने विशेषज्ञ से भी अनुरोध करेंगे कि वो एक सवाल हमारे उन परीक्षार्थियों को भेजें, और उसके बाद जब वो जवाब हमें भेजेंगे तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा। तो आज का प्रश्न ये है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध का क्या महत्व है? जल्द से जल्द आप हमें अपने जवाब भेजें, आपको ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। आपको जवाब भेजना है व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, और ईमेल करना है abhyas.airnews@gmail.com पर। सवालों की जो बारिश है ना, वो अगले सप्ताह भी जारी रहेगी अभ्यास कार्यक्रम में, लेकिन इस बार विषय होगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके प्रश्न हमें मिल जाने चाहिए 5 अप्रैल तक, और फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। अपने जोश को रखें बरकरार। आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मलय नीरव का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं विनीता लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की पहली कड़ी, आधुनिक इतिहास पर चर्चा। कार्यक्रम प्रस्तुत किया आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर ने। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संयुक्त डीन प्रोफेसर मलय नीरव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।